लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। इस बार हम आपको ट्रेन के हॉर्न के बारे में बता रहे हैं। ये बताएंगे कि ट्रेन जब छोटी हॉर्न देती है तो उसका क्या मतलब होता है और जब बड़ी हॉर्न देती है तो उसका क्या मतलब होता है। इन हॉर्न के जरिए ट्रेन के ड्राइवर और गार्ड के बीच तालमेल होता है। आइए जानते हैं ट्रेन के अलग अलग हॉर्न का क्या मतलब होता है। अगर ड्राइवर ने एक बार छोटा हॉर्न बजाया तो इसका मतलब है कि ट्रेन यार्ड में जाने के लिए तैयार है, मतलब ट्रेन धुनाई के लिए तैयार है। जब ड्राइवर दो बार छोटा हॉर्न बजाता है तो इसका मतलब वो गार्ड से ट्रेन चलाने के लिए सिग्नल मांग रहा है। ट्रेन चलाते वक्त अगर ड्राइवर तीन बार छोटे हॉर्न बजाता है तो इसका मतलब है गाड़ी अपना नियंत्रण खो चुकी है। गार्ड अपने डिब्बे में लगे वैक्यूम ब्रेक लगाए। ट्रेन चलते हुए अगर रुक जाती है और चालक चार बार छोटा हॉर्न बजा रहा है तो इसका मतलब इंजन में खराबी आने के कारण गाड़ी आगे नहीं जा सकती या फिर आगे कोई दुर्घटना हो गई है जिसके कारण ट्रेन आगे नहीं जा सकती है। ड्राइवर अगर एक लंबा और एक छोटा हॉर्न बजाता है तो इसका मतलब चालक गार्ड को संकेत दे रहा है कि ट्रेन चलने से पहले ब्रेक पाइप सिस्टम चेक कर लें, ब्रेक ठीक काम कर रहा है या नहीं। ड्राइवर अगर दो लंबा और दो छोटा हॉर्न दिया जा रहा है तो ड्राइवर गार्ड को इंजन पर बुलाने का संकेत दे रहा है। अगर ड्राइवर लगातार लंबा हॉर्न दे रहा है तो इसका मतलब है ट्रेन बिना रुके स्टेशन को पार कर रही है। अगर ड्राइवर रुक रुक कर लंबा हॉर्न दे रहा है तो इसका मतलब ट्रेन किसी रेलवे क्रॉसिंग को पार कर रही है और सड़क मार्ग से आने जाने वाले लोगों को सतर्क कर रही है। एक लंबा एक छोटा, फिर से एक लंबा एक छोटा हॉर्न दिया जा रहा है तो इसका मतलब है टुकड़ों में बंट गई है। अगर दो छोटे और एक लंबा हॉर्न दिया जा रहा है तो इसका मतलब है किसी ने ट्रेन की इमरजेंसी चेन खींची है या फिर गार्ड ने वैक्यूम ब्रेक लगाया है। अगर ड्राइवर छह बार छोटा हॉर्न देता है तो इसका मतलब है किसी तरह का कोई बड़ा खतरा हो सकता है।